ये चाहे उसके बदले वो 10 गुना भी देना चाहे तो भी उसकी कुर्बानी कबूल नहीं की जाएगी। गुर्बत आने के बाद जब कैश साली हुई लेकिन अल्लाह के रसूल ने फिर भी कुर्बानी को तर्क नहीं किया, कुर्बानी फिर भी की। तो अल्लाह तक ना तो अल्लाह को उसका खून चाहिए, ना अल्लाह को उसका गोश्त चाहिए, ना अल्लाह को ये जानवर चाहिए। अल्लाह तो सिर्फ ये देखना चाहता कि मैंने हुक्म दिया तो मेरे हुक्म को बजा कर लाता कि नहीं। तो हमको उससे नसीहत लेनी चाहिए कि उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी, अपना वक्त, अपनी सलाहियत, हर चीज़ को उन्होंने अल्लाह के राह में लगा दिया। बेशक अल्लाह ने हर चीज़ पर एहसान को लिख दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिही व सहाबी अजमईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी यशरली सदरी व यस्सिर ली अमरी व हलल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब यहाँ हफ्तेवारी दरसे कुरान के लिए जमा हुए हैं। इस मुख्तसर से वक्त में क़ुरबानी की अहमियत और उसके मसाइल, इस उनवान के ताल्लुक से चंद बातें रखने की कोशिश करूँगा। क़ुरबानी यानी कि अल्लाह ने एक मुसलमान के ऊपर जो साहिब इस्तेतात हो उसके ऊपर क़ुरबानी को फ़र्ज किया है। क़ुरबानी का माना होता है कि अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करना, अल्लाह की नज़दीकी हासिल करना। इसे क़ुरबानी ही नहीं, कोई भी जो भी काम अल्लाह की खुशनदी के लिए किया जाए वो सिर्फ क़ुरबानी ही नहीं, जो भी काम किया जाता है वो अल्लाह की क़ुर्ब हासिल करने के लिए। तो उसके मुराद जहबिया ही नहीं है, चाहे जो भी काम, हर काम तो अल्लाह की क़ुर्ब, अल्लाह के नज़दीक उसके लिए क़ुर्ब हासिल करने के लिए किया जाए। और तो जिस तरह से एक दिगर इबादतें हैं, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, वो इसी तरह क़ुरबानी भी एक हमारे पर फरीज़ा है वो जो साहिब इस्तेताअत है। और इसकी अहमियत के ताल्लुक से ये है कि इसकी अहमियत इतनी है कि अगर कोई आदमी इसको बदलना चाहे कि अगर मैं इसको बदल दूं कि कुर्बानी के आज कुर्बानी में करूं, इतना पैसा उसमें लगाऊं, क्या इसके बदले किसी की मदद की जा सकती है? क्या इतना पैसा किसी को दिया जा सकता है कि 15-20 हज़ार रुपये का एक जानवर लेके आए, इसके बदले किसी गरीब की मदद कर दी जाए? तो क्या इसके बदले अगर दे दिया जाए तो कुर्बानी कबूल हो जाएगी? तो उसकी कुर्बानी कबूल नहीं होती है। कुर्बानी एक अलग अमल है, वो एक अलग अमल है। अगर उसके बदले में कोई ये कर देगा तो उसकी कुर्बानी नहीं गिनी जाएगी, वो उसका एक अलग जो अमल है वो उसका काबिल कबूल होगा, लेकिन कुर्बानी नहीं होगी। वो चाहे अगर आदमी ये सोचे कि मुसलमानों के हालात ख़राब हैं, इतनी मुसीबतें हैं, कहीं बाढ़ है, क्या कहीं पर जो मुसीबत ज़्यादा है, गुर्बत फैली हुई है, तो क्या इसके बदले में कुर्बानी को छोड़ कर उनकी मदद कर दी जाए इन पैसों से? तो ये नहीं हो सकता है, इसके अंदर इसका कोई बदल नहीं है। जिस तरह से इबादत का कोई बदल नहीं होता, इससे नमाज के बदले और कोई अमल करे तो उसका कोई बदल नहीं होता, उसके लिए नमाज ही पढ़ना उस पर ज़रूरी है, तो वैसे ही इसके अंदर कुर्बानी ही करना ज़रूरी है, चाहे उसके बदले वो 10 गुना भी देना चाहे तो भी उसकी कुर्बानी कबूल नहीं की जाएगी, उसका वो दूसरा अमल जो है कबूल हो सकता लेकिन कुर्बानी नहीं होगी। तो इसकी अहमियत इतनी बताई गई है और इसकी फजीलत इतनी ज़्यादा है कि इसका कोई बदल नहीं है। इसको करने का जो वक्त है वो वक्त है कि इस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत रही कि कुर्बानी का जो वक्त है वो चास्त के वक्त अल्लाह के रसूल सल्लम कुर्बानी किया करते थे। तो कुर्बानी चास्त के वक्त जो है अफजल है, लेकिन इसके अलावा भी कुर्बानी को कर सकते हैं। कुर्बानी जो है उस दिन चास्त से लेकर तो हम उसको असर तक, या कोई अगर रात में भी चाहे तो कर सकता है, क्योंकि वो सारे दिन जो है या असर तक उसको कर सकते हैं, और रात में भी अगर कोई करना चाहे तो वो भी कर सकता है, लेकिन अफजल जो है वो दिन के हिस्से में वो करे। और तो ऐसा कोई ख़ास मखसूस वक्त इसके लिए मुतय्यन नहीं किया गया। जो अफजल है वो 10 तारीख का दिन है, उसके अलावा बाकी जो दिन है, 3 दिन और बचते हैं, तो उसमें वो कभी भी कर सकता है। इसके अंदर जो मखसूस जानवर बताए गए हैं कि वही जानवरों पर कुर्बानी होती है, इसी तरह मुसलमान इसके लिए हो कि मुसलमान कौन करेगा, तो मुसलमान जो बालिग हो, यानी जो बालिग हो गया हो, एक बच्चा, वो साहिब इस्तेतात हो, यानी इतना उसके पास में माल हो, पैसा हो, या अगर गरीब है और कोई उसको दे दे कि भाई ये जानवर ले जाओ मेरी तरफ से, तुम अपनी तरफ से कुर्बानी कर दो, तो कुर्बानी वो कर सकता है। और इसमें जो है जानवर के अंदर कोई खामी भी नहीं होनी चाहिए। तो शरीयत ने हमको इसके अहकाम और मसाइल भी बहुत सारे हैं कि इसके मसाइल भी बताएँ
तो इससे हमको ये मालूम पड़ता है कि इसकी फजीलत कितनी है, वो कुर्बानी कितनी ज़रूरी है। तो इसलिए इसके मसाइल भी हमको बताए गए हैं कि जानवरों के बारे में बताया कि जानवर कैसा हो, कैसा नहीं होना चाहिए, कैसे कुर्बानी करना है, किस वक्त करना है, कब होगी, किसको देना है, कौन करेगा, मैयत की तरफ से हो सकती है, जिंदा की तरफ से हो सकती है। तो इसकी तमाम अहकाम हम देखते हैं इसके अंदर बतलाए गए हैं। और लेकिन हमको इसको ये समझना चाहिए, कई उलमाओं ने जो है इसके ताल्लुक से फरमाया, कई उलमा ने कहा कि वाजिब है कि करना ज़रूरी है, और कुछ उलमाओं ने जो है, लेकिन असल जो हम अगर जमहूर पर जाएं तो जमहूर ने क्या कहा कि ये सुन्नत मौकीदा है, ये सुन्नत मौकीदा जो अल्लाह के रसूल वसल्लम ने जो किया है। लेकिन ये बात जहन में रखें कि इसका कोई बदल नहीं है, क्योंकि उस दिन जो है अल्लाह को योम आखिर का जो दिन है 10 तारीख का, उस दिन अल्लाह को सिर्फ कुर्बानी के अलावा कोई अमल पसंद नहीं है। अल्लाह को सिर्फ खून बहाने का दिन है वो, इसको योमुन नहर कहा जाता है। तो बिना खून बहाए कुर्बानी नहीं होगी, ये हमको समझने की ज़रूरत है। उसके ताल्लुक से जो हदीस हमको मिलती है कि अल्लाह के रसूल सल्लम ने फरमाया, सही तिर्मिजी हदीस नंबर 1340 के, 10 जिलहिज्जा के दिन ये अल्लाह को ये अमल इतना पसंद है कि इसके अलावा कोई दूसरा अमल पसंद नहीं है, कि वो क्या है कि और उसकी फजीलत क्या है। फजीलत भी बताई गई इस हदीस के अंदर कि उस जानवर का खून गिरने से पहले और उसका सींग ज़मीन पर लगने से पहले उसके दर्जे अल्लाह बुलंद कर देता है, उसके दर्जे बुलंद कर देता है। और इसके तो इसका हमको समझने की एक और जो फतावा जो दिया है सईद इब्ने मुसय्यब रहमतुल्लाह ने कि इसका जो है कोई बदल नहीं। वो दिगर उलमा ने भी कहा कि इसके बदले में इसकी अहमियत इतनी बताई कुरान में जो अल्लाह ने फरमाया, तो इसके बदले अगर कोई 10 गुना भी सदका करे, ये कितना भी सदका करे, तो उसको अमल को कबूल नहीं किया जाएगा। और इसकी फजीलत इतनी है, इससे भी हमको वाज़ह पड़ता है कि इब्ने माजा की रिवायत है अल्लाह के रसूल सल्लम ने फरमाया हदीस नंबर 3127 के, उस जानवर के बदले में उसके हर हर बाल की नेकी उसको मिलती है। यानी एक जानवर है, वो चाहे वो ऊँट हो, चाहे वो जो जानवर बकरी हो, बकरा हो या दुम्बा हो, या फिर जो है वो भेड़ बकरी हो, तो उसकी हर हर एक बाल की, तो साहबा ने पूछा कि क्या, क्योंकि भेड़ में क्या होता है उसमें बहुत बाल होते हैं, बारीक भी होते हैं, बाल भी बहुत होते हैं, तो उन्होंने कहा कि क्या भेड़ के बाल के इतने बराबर? बोले हाँ, जितने भेड़ के जो बाल होते हैं उतने बराबर उसको नेकियाँ मिलेगी। यानी तो इसके फजीलत भी हमको इससे मालूम पड़ती है। और कुर्बानी कब से है? तो कुर्बानी तब से, हम ये सोचते हैं कि क्या इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब इस्माइल अलैहिस्सलाम का वाकया हुआ तब से कुर्बानी है, तो कुर्बानी आदम अलैहिस्सलाम के वक्त से है, कुर्बानी तब से है। जो हमको वाकया मिलता है कि हाबिल और काबिल में जब इख्तलाफ हुआ एक मसले को लेकर, तो आदम अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा था कि तुम जो है जाओ और कुर्बानी पेश करो अल्लाह को। उस वक्त का तरीका अलग था, एक कुर्बानी उस वक्त ये लोग किया करते थे, पहाड़ पर जाकर उसको थाल में रख देते थे, जिसकी कुर्बानी अगर अल्लाह कबूल करता तो एक बिजली आती थी, एक तजल्ली आती और उसको जलाकर खाक कर देती, यानी उसकी कुर्बानी कबूल कर ली, और जिसकी नहीं होती थी कबूल उसकी वो ऐसी रखी रह जाती थी, तो उसमें से एक की कुर्बानी कबूल हो गई। ये वाकया भी हमको मिलता है। और वैसे अगर हम देखें तो दुनिया के तमाम मज़ाहिब जो हैं उन मज़ाहिब के अंदर कुर्बानी है, वो चाहे अलग अलग नाम हो, लेकिन कुर्बानी हर मज़हब के अंदर है, चाहे जो उनसा भी मज़हब हो, सब के अंदर कुर्बानी पाई जाती है, सभी के अंदर है। तो इसके अंदर जो है हमको ये मिलता है कि कदीम ज़माने से, यानी आदम अलैहिस्सलाम के वक्तों से कुर्बानी थी। और हम क्यों कुर्बानी करते हैं? तो हम इसलिए कुर्बानी करते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लम हमारे लिए दलील वो चीज़ें बन सकती हैं जो इब्राहिम, जो अल्लाह के रसूल सल्लम ने किया, तो अल्लाह के रसूल सल्लम ने किया तो ये हमारे लिए सुन्नत बन गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ये सुन्नत है जो अल्लाह के रसूल सल्लम ने की। वो कुर्बानी हर उम्मत के लिए थी, और इसके ताल्लुक से भी जो कुरान के अंदर ही खुद अल्लाह ने फरमाया सूरह हज सूरह नंबर 22 आयत नंबर 34 में अल्लाह फरमाता है कि और अल्लाह ने हर उम्मत के लिए कुर्बानी के तरीके मुतय्यन फरमाए हैं, और ताकि उन चार पाए जानवर पर अल्लाह का नाम ले जो अल्लाह ताला ने उन्हें दे रखे हैं। तो कुरान में भी अल्लाह ने वाज़े किया कि हमने हर उम्मत पर कुर्बानी के तरीके मुतय्यन फरमाए, उनको बताया तो तरीके अलग अलग थे लेकिन कुर्बानी सब में थी। और इसमें चार किस्म के जानवर इसके अंदर कुर्बान की जाती है, जिसके अंदर से दोनों के मुजक्कर और मुअन्नस दोनों को इसके अंदर होते हैं, यानी एक जानवर उसका जोड़ा, तो ये कुल मिलाकर 8 जानवर हो जाते हैं। तो इसके ताल्लुक से कुरान में भी अल्लाह ने फरमाया सूरह अनाम सूरह नंबर 6 आयत नंबर 144 में अल्लाह ने जो फरमाया कि दो ऊँट में से दो ऊँट की किस्में और दो गाय की किस्में जो उसके अंदर अल्लाह ने बतलाई हैं।
तो इसके अंदर जो ये हो जाता है, एक तो ऊँट, एक जो है बैल और उसका जो है मोहन्नस, और इसी तरह जो है बकरा, बकरी और मेंढा और उसकी जो है भेड़, ये भी इसके अंदर हो जाती हैं। तो चार तरह के जानवर हैं, नर मादा दोनों इसमें शामिल हैं। इसके अलावा किसी और चीज़ की कुर्बानी नहीं की जा सकती कि चाहे आदमी सोचे कि क्या मैं इससे अच्छा कीमती जानवर कर दूँ, हिरण कर दूँ, तो उसकी कुर्बानी कबूल नहीं की जाएगी। कोई चाहे कि अगर मुर्गा मुर्गी या और उससे अच्छी जो ऐसी चीज़ है कि ऐसा परिंदा जो बहुत नायाब हो वो कर दे, तो वो भी कबूल नहीं होगा, चाहे वो कीमती कितना हो। इन जानवर के अलावा किसी जानवर की कुर्बानी कबूल नहीं की जाती है। हाँ, इसमें कुछ इख्तलाफ़ है उलमाओं के नज़दीक के वो कहते हैं कि जो जानवर है इसके अंदर जो गाय या बैल जो हैं, तो इसको वो कहते हैं कि किस्म जो है इसकी, तो इसकी किस्म के अंदर में कि वो उसको भैंस और जो पाड़ा होता है यानी उसका जो मुजक्कर होता है उसको भी वो कहते हैं कि ये भी इसमें शामिल हैं। कई उलमा ने इसमें इख्तलाफ़ किया है, तो वो इसके अंदर ये करते हैं। तो फ़िकी इसके अंदर फ़िकी मसाइल हैं, फ़िकी जो है इसके अंदर इख्तलाफ़ है। तो इसके ताल्लुक से इमाम मुबारकपुरी वो कहते हैं कि अगर कोई ये कर लेता है तो इस पर इख्तलाफ़ नहीं करना चाहिए, ये जो है ऐसा मामला मलामत वाला मामला नहीं है। अगर कोई करता है तो फ़िकी मसाइल है, तो अगर ये मलामत वाला मामला नहीं है इसको छोड़ देना चाहिए, लेकिन अफजल यही है कि ये चारों जानवर के अंदर कुर्बानी की जाए। इसी तरह जो है जानवर के अंदर कोई ऐब नहीं होना चाहिए, जो जानवर है उसके अंदर कोई ऐब नहीं होना चाहिए। इसके ताल्लुक से हमको जो रिवायत मिलती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनन अबू दाऊद हदीस नंबर 2802, कि जानवर में ऐब जायज़ नहीं है। कैसे कि वो जो जानवर तुम लो तो वो काना नहीं होना चाहिए, यानी उसकी आँख बराबर होनी चाहिए, अंधा नहीं होना चाहिए, कोई इसके आँख के अंदर ऐब नहीं होना चाहिए। इसी तरह जो है वो बीमार ना हो, इसी तरह वो लंगड़ा ना हो और वो कमज़ोर ना हो, यानी ऐसा जो लागे जानवर ना हो कि उसके अंदर कुछ जो चर्बी ना हो। और इसी तरह एक और रिवायत में फरमाया, ये भी सुनन अबू दाऊद की रिवायत है हदीस नंबर 2781, इसमें और फरमाया कि वो कान कटा और सींग टूटा भी ना हो। तो ये ऐब जो है जानवर के अंदर नहीं होनी चाहिए, तो बेऐब जानवर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आदमी जो है, कई लोग सोचते हैं कि या कि चल जाएगा, थोड़ा सा तो है, सींग टूट गया तो क्या हो गया, इतना तो चल जाना चाहिए, थोड़ा सा लंगड़ा रहा है तो क्या चल जाना चाहिए। तो हम देखिए, हम दुनिया के अंदर भी हम क्या करते हैं कि कोई चीज़ अगर हम नई लेने जाएंगे, मोटरसाइकिल कोई लेने जाए और अगर शोरूम पर जाता है, वो शोरूम के ऊपर जो है वो कहते भाई थोड़ा सा जो है इसकी टंकी पर स्क्रेच आ गया, मडगांठ थोड़ा सा जो है क्रेक हो गया, तो क्या चल जाएगा, तो चल जाएगा तो हम गाड़ी लेंगे, वो हम नहीं लेते। तो हम इसलिए कि हमारे लिए पसंद नहीं कर सकते, तो उस रब के लिए कैसे पसंद कर सकते हैं जो उस रब ने हमको नेमत अता की है। तो उसके लिए भी जो बेऐब जानवर होना चाहिए, उसके अंदर कोई जो है ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए, और खालिस अल्लाह के लिए भी होना चाहिए, खालिस अल्लाह के लिए, दिखाने के लिए भी नहीं कि आदमी के पास पैसा है तो अच्छा जानवर लाए और उसके जो है उसको शोरूम में रख दे और लोगों को उसको दिखाता फिरे या घुमाता फिरे कि मेरे पास ऐसा जानवर है, तो खालिस अल्लाह के लिए होना चाहिए। और ये सिर्फ अल्लाह के लिए ही होती है कुर्बानी। कुरान में अल्लाह ने खुद फरमाया, सूरह कौसर की आयत नंबर 2 में अल्लाह ने फरमाया कि फसल ले ली रब्बी का वनहर, के नबी अपने रब के लिए आप जो है नमाज कायम कीजिए, नमाज पढ़िए और कुर्बानी कीजिए। इसी तरह एक और कुरान की एक और आयत में अल्लाह ने फरमाया, सूरह अनाम सूरह नंबर 6 आयत नंबर 162 में अल्लाह फरमाता है, कुल इन्नी सलाती व नुसी की व माहिया व मम्माती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, के नबी कह दीजिए, ए नबी आप कह दीजिए कि मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी यानी मेरी तमाम इबादतें सिर्फ और मेरा जीना और मेरा मरना सब कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। तो नियत जो है खालिस होनी चाहिए अल्लाह के लिए। और यहाँ पर जो बताया गया कि हमने आपको कौसर अता किया, यानी कौसर एक अल्लाह के रसूल सल्लम को एक ऐसी चीज़ दी गई जो नेमत है अल्लाह की तरफ से, तो उसके बदले में आप क्या कीजिए कि आप नमाज़ कायम कीजिए, नमाज़ पढ़िए और कुर्बानी कीजिए। तो इसके अंदर जो है ये जो कुर्बानी की, ये भी इबादत की किस्म है। जैसे इबादत की जो उलमा बताते हैं वो क्या है कि इबादत की चार किस्में, यानी कि एक तो दिली इबादत यानी दिल से नियत होना, दूसरी जो है जबानी इबादत यानी जिक्र करना, अल्लाह का तिलावत या इसी तरह में जिक्र करना, अल्लाह की तारीफ बयान करना, ये जो है जुबानी इबादत है। इसी तरह जिस्मानी इबादत जिसके अंदर हम रोज़ा रखते हैं, नमाज, इसी तरह हो गया हज, ये सारी जिस्मानी इबादत हैं। और माली इबादत है यानी कि जकात देना, सदकात करना या हज करना, क्योंकि इसमें भी माल लगता है, और कुर्बानी करना, तो ये कौन सी बात हो, ये माली इबादत है। तो ये माली इबादत है जिसके अंदर हमको पैसा खर्च करना पड़ता है, तो माली इबादत के अंदर आता है। जिस तरह जो है तो हमको इस पर इसकी अहमियत के ताल्लुक से जानना चाहिए कि इसकी अहमियत इतनी है कि
इसका कोई बदल नहीं है, वो कुर्बानी का कोई बदल नहीं होता है, वो कुर्बानी ही करनी पड़ेगी तभी कबूल होगी। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लम ने इसको कभी तर्क नहीं किया, इसको छोड़ा नहीं। इसके ताल्लुक़ से जो मिलता है अबू दाऊद की रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लम ने फरमाया हदीस नंबर 2788 कि अल्लाह के रसूल सल्लम फरमाते कि ए लोगों, हर घर वाले पर साल में एक कुर्बानी करना, जो उनका एक हर साल में हर घर वाले पर एक कुर्बानी है। तो इससे इसकी अहमियत मालूम पड़ती है कि अल्लाह के रसूल ने इसकी ताकीद की है कि एक कुर्बानी है। तो इस बात से हमको इसकी अहमियत पता चलती है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको हर वक्त में किया जब तक आप हयात रहें, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अमीर भी कोई भी नहीं है और आपसे जो है गरीब भी कोई नहीं है। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लम ने जो हम देखें कि गुरबत भी अल्लाह के रसूल में इतनी सही है कि हम में से कोई शायद ही हो जो 24 घंटे भी कभी भूखा रहा हो, कि जिसको 24 घंटे उसने कुछ खाया ना हो। तो हमारी हम अपने आप को देखें, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लम के ताल्लुक से आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लम कई कई तीन दिन तक भूखे रहे और पेट पर पत्थर बांध लिया करते थे। लेकिन इसके बावजूद भी, इतनी तंगी के बावजूद भी, हम देखते कि अल्लाह के रसूल सल्लम ने कभी कुर्बानी को तर्क नहीं किया, कुर्बानी आपने की है। और इसके ताल्लुक से जो है सही तिर्मिजी की रिवायत है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह फरमाते कि अल्लाह के रसूल सल्लम मदीना में 10 साल रहे और हर साल अल्लाह के रसूल कुर्बानी किया करते थे। और एक बार का जो बुखारी में वाकया मिलता है, ये इसकी अहमियत बताने के लिए ये वाकया मिलता है कि मदीना के अंदर एक बार कैसाली हो गई। कैसाली यानी कि क्या, कि वहाँ पर जो है पानी नहीं बरसा और फसल नहीं होगी, तो भूखे मरने की पूरे इलाके के अंदर आसपास में भी भूखे मरने के लोगों के पास नौबत आई। तो अल्लाह के रसूल सल्लम ने सारे लोगों को क्या किया कि सब लोगों को मदीना में जमा कर लिया, यानी जहाँ पे कैस साले दिखाने के लिए नहीं था सबको मदीना में जमा किया। और जब ईद उल अजहा का दिन आया तो अल्लाह के रसूल सल्लम ने कहा कि तुम जानवर ज़िबा करो, यानी जिसके पास जानवर थे उनको ज़िबा करो, और जो है इसके अंदर तुम 3 दिन से ज़्यादा उसको जमा ना करो, यानी कि तुम तब तकसीम कर दो, सब लोगों को दे दो, 3 दिन से ज़्यादा तुम इसको जखीरा ना करो, उसको जमा ना करो। लेकिन बाद में जो है अल्लाह के रसूल सल्लम ने इसको जो है हटा दिया इस अमल को, और कह दिया कि उसके बाद में कि तुम खाओ, जमा भी करो और लोगों को भी दो। लेकिन हम ये देखें कि इतनी गुरबत आने के बाद जब कैस साली हुई, लेकिन अल्लाह के रसूल फिर भी कुर्बानी को तर्क नहीं किया, कुर्बानी फिर भी की। उस पर जो है ये मसाइल अल्लाह के रसूल सल्लम ने कर दिया कि उसके बाद जमा नहीं करेगा कोई 3 दिन तक। लेकिन उसके बाद जब वापस उनके पास फरावानी आ गई तो अल्लाह के रसूल सल्लम ने कहा कि अब तुम जो है इसको जमा भी करो और इसको तुम खाओ भी और इसको तकसीम भी करो। ये जो है सही बुखारी की रिवायत है, हदीस नंबर 1719। इसी तरह इसकी जो अहमियत इससे भी हमको पता चलती है कि अल्लाह के रसूल सल्लम ने सफ़र के अंदर भी कुर्बानी को तर्क नहीं किया। जब आप ईद उल अजहा के मौके पर सफ़र पर थे तो अल्लाह के रसूल सल्लम ने सफ़र के अंदर जब जानवरों की कमी हुई, कि जानवर कम थे, इतने ज़्यादा लोग थे और कुर्बानी नहीं कर पा रहे थे कि सबके लोग हिस्से में नहीं आएंगे, तो अल्लाह के रसूल सल्लम ने फरमाया कि ये इब्ने माजा की रिवायत है हदीस नंबर 3131 कि अल्लाह के रसूल सल्लम ने कहा कि एक एक ऊँट पर 10-10 हिस्से लगा दो, यानी 10 आदमी मिल जाए एक ऊँट के ऊपर, 10 की कुर्बानी हो जाएगी। तो इससे हमको ये बात वाजे मालूम पड़ती कि अल्लाह के रसूल सल्लम में जानवर की कमी थी तो उसके अंदर हिस्से बना दिए कि 10 हिस्से इसके अंदर कर सकते हैं। तो इसके अंदर हमको ये मिलता है। तो इसी तरह जो है ये हमको मिलता है इसके अंदर कि अगर कोई आदमी अब इस्तेदाद नहीं रखता पूरे जानवर की, तो हिस्से भी कर सकता है, हिस्से भी इसके अंदर ले सकता है। तो बेल मुजक्कर मुअन्नस के अंदर 3 हिस्से, जो इसके अंदर जो है 7 हिस्से होते हैं, यानी इसके 7 हिस्से किए जा सकते हैं। इस तरह ऊँट पे भी 7 हिस्से होते हैं, लेकिन इसमें 10 हिस्से भी कुर्बानी के अंदर किए जा सकते हैं, कुर्बानी के अंदर 10 हिस्से इसमें किए जा सकते हैं। इसी तरह जो है मेंढा है तो उसमें 1 ही हिस्सा होगा, यानी एक के लिए एक, और इसी तरह अगर बकरा बकरी है तो उसके अंदर 1 के लिए 1 होगा, और कोई जानवर इसमें नहीं चलेगा, इसके अलावा इसके अलावा कोई नहीं चलेगा, और ये जो है ये आदमी की तरफ से काफ़ी हो जाएगा। इसी तरह जो है इसकी जो मसाइल क्या हैं, तो इसके बहुत सारे मसाइल हैं, हालांकि काफ़ी सारे मसाइल हैं, लेकिन जो हमको ज़रूरी जो जान पड़ते हैं, जो हमारे लिए ज़रूरी हैं, जो हमको जानवर ख़रीदने से लेकर कुर्बानी करने तक उस पर क्या क्या मसाइल आते हैं, तो इंशाल्लाह वो मसाइल हम देखने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या वो मसाइल हैं। तो सबसे पहले कि जानवर जो इसके अंदर बेएब होना चाहिए, यानी पूरी सही सालिम जानवर होना चाहिए। तो इसके ताल्लुक से अल्लाह के रसूल सल्लम ने फरमाया, सुनन अबू दाऊद की रिवायत है हदीस नंबर 2802
कि अल्लाह के वसल्लम ने फरमाया कि जब जानवर तुम हो तो उसको अच्छी तरह देख लो कि वो जानवर काला ना हो, वो जानवर अंधा ना हो, इसी तरह वो बीमार ना हो, और वो लंगड़ा ना हो या लागिर जानवर ना हो, और इसी तरह जो सींग टूटा भी ना हो और कान कटा हुआ भी ना हो। यानी ये चीज़ें उसके तो छः तो यहाँ पर रिवायत में हमको मिलता है कि ये चीज़ें उसके अंदर नहीं होनी चाहिए, ये तेब नहीं होना चाहिए। तो सही सालिम जानवर होना चाहिए, क्योंकि आप उसको ये तो आप जब ख़रीदने जाएँ तो आप उसको थोड़ा सा के चला कर आप उसको देख लेंगे कहीं ये लंगड़ा कर तो नहीं चल रहा है, या फिर उसका आँख आपको चेक करना है तो आप उसके जो है आप उसके ताली बजा कर ये जिस तरह उसके इशारा करके आप देख सकते हैं कि आँख को बंद कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो इस तरह चेक करके आप उसको ले सकते हैं। और जानवर जो होना चाहिए मोटा ताज़ा हो, मोटा ताज़ा जानवर होना चाहिए, ताकि उसका मकसद क्या है, मकसद ये है कि ज़्यादा लोगों तक गोश्त को तकसीम किया जा सके, हर शख्स को, गरीब को और अपने रिश्तेदारों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसका फ़ायदा हो, तो इसलिए अच्छा जानवर होना चाहिए। इसी तरह जो है अगर कोई कुर्बानी का इरादा करता है कि उसको कुर्बानी करना है, उसने इरादा कर लिया, तो उसको चाहिए कि वो क्या करे कि जैसे ही चांद देखे तो अपने नाखून और बाल ना तराशे। ये सही मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लम ने फरमाया हदीस नंबर 5410 के जो कुर्बानी का इरादा करता है और अगर वो चांद देख ले तो अपने नाखून और अपने बालों को ना तराशे, यानी उनको छोड़ दे। ये कब करना है, उसकी कुर्बानी हो जाए उसके बाद में वो अपने बाल और अपने नाखून तराशेगा, कहीं के भी बाल, पूरे जिस्म के में से बाल और नाखून उसको जो है बाद में तराशना है कुर्बानी के बाद में। अब यहाँ एक मसला आता है कि जानवर कितना बड़ा होना चाहिए, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, तो कैसा जानवर होगा, तो इसके ताल्लुक से हमको मिलता है कि उम्र कितनी होनी चाहिए। तो सही मुस्लिम की रिवायत है, सही मुस्लिम हदीस नंबर 1963 कि अल्लाह के रसूल सल्लम ने फरमाया कि ला तस्मऊ इल्ला मुसिनतन, कि ला तस्मऊ इल्ला मुसिन्ना, कि दोंदे के अलावा कोई जानवर जिबा मत करो, लेकिन अगर तुमको वो मिलना मुश्किल हो जाए तो तुम भेड़ का खेरा जिबा करो, यानी वो मुश्किल हो जाए। तो दोंदा किसको कहते हैं, दोंदा उस जानवर को कहा जाता है कि जिसके दो दांत टूटकर नए आ गए हों, उसको कहते हैं दाता जानवर, यानी दांत वाला जानवर जिसके दो दांत टूटकर नए आ गए हों। उम्र से इसके अंदर कोई वो नहीं है कि इतने साल का हो, जिस तरह हम देखते हैं आम लोग कहते हैं एक साल का हो तो चल जाएगा, एक साल का हो तो चल जाएगा, लेकिन वो ऐसा नहीं है। वो उसके लिए जो इसमें अल्लाह के रसूल सल्लम ने जो कहा वो ये कहा कि जो है ला तस्मू इल्ला मुसिन्ना, कि वो दो दाता जानवर होना चाहिए, उसकी दांत टूटकर वापस आ गए हैं तो वो जानवर इसके अंदर तुम जिबा करो। अब इसके अंदर जो है कुछ उलमाओं ने इसके अंदर कई चीज़ें जो बतलाई हैं, वो क्या बतलाई हैं उन्होंने कि उन्होंने साल भी बता दिए कि ऊँट जो है चार साल के बाद में पाँचवें साल लग गया हो तो उसको जिबा कर सकते हैं। इसी तरह जो है गाय बिल के अंदर है तो उसमें उन्होंने कहा कि तीन साल पूरे करके चौथे साल लग गया हो तो उसको जो है कुर्बान किया जा सकता है। इसी तरह बकरा जो एक साल के ऊपर हो तो कुर्बान किया जा सकता है। लेकिन हम यहाँ पर ये मसला देखिए तो यहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसन्ना कहा जाता है दो दांत वाले को, दांत को कहा जाता है, यानी दो दाता उसको मसन्ना कहा जाता है, और ऐसे जानवर को कहा जाता है जिसके दूध के जो दांत हैं वो टूट कर नए आ गए हों। वैसे हालांकि आप देखेंगे तो जानवर जो है अपने हम देखते हैं कि हमारे इंसान के जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं कि वो बगैर दांत के पैदा होते हैं, लेकिन जानवर दांत के साथ ही पैदा होता है, दांत ही आते हैं उसके, तो दूध के दांत हमारे जैसे ना सोचे कि हम जैसे हमारे इंसानों के बच्चे के दांत नहीं होते बाद में आते, तो उनके वो दांत के साथ ही पैदा होता है, लेकिन वो जो दांत उसके पेट के होते हैं वो टूट जाते हैं, उसके बाद दो 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 उसके दांत टूटते हैं, नए दांत आते हैं, तो वो उससे मुराद है, तो ये दांत उसके होने चाहिए। तो इसको फिर अगर वो ना मिल पाए तो फिर भेड़ का खेरा जिबा कर सकते हैं, भेड़ का खेरा उसमें जिबा कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर ये मसला आता है कि इस हदीस के अंदर, कि कई लोग हमारे यहाँ पर आम मसला है कि लोग कहते हैं कि नहीं एक साल का हो गया, एक साल का जो जानवर है बकरा तो उसको क्या जिबा कर सकते हैं, हो जाता है एक साल का, आम मसला है। लेकिन यहाँ पर अगर हम इसको, क्योंकि इसमें इख्तलाफ क्या हुआ कि इसके अंदर जो है कहा जाता है वो कहते हैं कि मसना मतलब होता है साल वाला, और हदीस में दांत वाला, तो कहते नहीं इसका मतलब है साल वाला कि एक साल का हो तो कर सकते हैं, एक साल का हो तो उसको कर सकते हैं। लेकिन अगर हदीस एक है और उस पर जानवर चार हैं, अगर इस हदीस को हम उस पर ले जाएंगे तो सब जानवर पर लगेगी, तो ऊँट एक साल का कुर्बानी नहीं किया जा सकता, गाय बैल एक साल का नहीं किया जा सकता, तो इसी तरह जो फिर इस पर लाएंगे सिर्फ, तो इसमें जो हदीस के अंदर जानवर के अल्फाज नहीं आए, इसके अंदर सिर्फ ये बतलाया गया है कि तुम मत जिबा करो मगर दांत वाला, तो दांत वाले जानवर यहाँ पर कहा गया है, तो इसके अंदर जो है हमको ये मिलता है।
तो इससे यही करना चाहिए कि हमको जब जानवर लेने जाएं तो दाता देखना चाहिए और ये करना चाहिए। और इस पर जो है राजे कोल जो है उलमाओं का यही है, और अगर इसको हम जो है साल पर कयास करेंगे जो सही नहीं होगा। इसी तरह जो है कि अगर इसमें जानवर, कई बार सवाल लोग करते हैं कि क्या जानवर खस्सी जानवर की कुर्बानी की जा सकती है, खस्सी मेंढक इसकी कुर्बानी की जा सकती है खस्सी जानवर की, तो इसके ताल्लुक से भी मिलता है कि अबू दाऊद की रिवायत है हदीस नंबर 2796 कि अल्लाह के रसूल सल्लम के ताल्लुक से मिलता है कि अल्लाह के रसूल सल्लम एक बाज़ार गए ईद उल अज़हा के पहले और आपने दो खस्सी जानवर यानी मेंढे आपने वहाँ से खरीदे और उनका आपने जिबा किया, तो खस्सी जानवर की भी कुर्बानी इसके अंदर की जा सकती है, इसके ताल्लुक से हमको मिलता है। इसी तरह एक और रिवायत मिलती है इब्ने कदामा रहमतुल्लाह ये फरमाते हैं कि खस्सी जानवर जिबा किए जा सकते हैं, ये अगली अल मुगनी की रिवायत है। इसी तरह जो है क्या कुर्बानी हर फर्द को अलग अलग करनी पड़ेगी या सिर्फ घर का एक जना कर दे तो सबकी तरफ से कुर्बानी हो जाती है, इसका क्या मसला है? तो इसके ताल्लुक से हमको मिलता है कि एक जानवर अगर कोई कुर्बान घर का मुखिया वो करता है तो पूरे घर की तरफ से वो कुर्बानी हो जाती है, यानी उसकी बीवी की तरफ, उसके बच्चों की तरफ उसकी कुर्बानी हो जाती है। ये इब्ने माजा और सही तिर्मिजी की रिवायत है हदीस नंबर 1505। अबू अंसारी रज़ी अल्लाह ये फरमाते हैं कि रिसालत के वक्त में एक आदमी अपने घर वालों की तरफ से एक बकरी कुर्बान करता था और वे उसे खाते थे और खिलाते थे, यहाँ तक कि उसके बाद में तकब्बुर शुरू हो गया जिस तरह से तुम आज देखते हो। यानी आज हम देखते हैं ना जानवर के ताल्लुक से लोग तकब्बुर करते हैं कि अब देखो मैं 2 लाख का जानवर लाया, मैं 1 लाख का जानवर लाया, तो उस वक्त भी हो चुका था, ये सहाबा के दौर में हो चुका था, यानी कि अल्लाह के रसूल वफात के बाद ही लोग जो इसके अंदर तकब्बुर करने लगे थे कि बड़े बड़े जानवर लाकर वो दिखाने लगे थे, तो दिखावा इसके अंदर हो गया था। तो इसके ताल्लुक और इसके ताल्लुक से इसके अंदर इसकी तशरीह के अंदर इमाम शौकानी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि हक बात यह है कि एक बकरी तमाम घर वालों के लिए काफ़ी हो जाएगी, चाहे उनकी तादाद 100 भी क्यों ना हो, उनकी तादाद 100 भी क्यों ना हो, तो इसके अंदर उनकी हो जाएगी। तो इससे हमको मालूम पड़ता है कि एक फ़र्द यानी जो मुखिया है तो मुखिया की तरफ से हो जाएगी, अगर उसके घर में भले 30 लोग हों 40 लोग हों, वहाँ मसला क्या आता है कि उसके घर चूल्हे कितने जलते हैं, तो एक चूल्हा जलता है तो यानी एक परिवार उसका हो गया, तो उसकी तरफ से वो हो जाती है, हर फर्द के लिए अलग अलग नहीं होता है। अगर उनमें ताकत है कि नहीं हम कर सकते हैं कि बीवी चाह रही कि मेरे पास पैसा है मैं अलग से करूँ तो कर सकती हूँ, बच्चे चाह रहे हैं मैं अलग से करूँ तो कर सकते हैं, मना नहीं, लेकिन अगर किसके पास नहीं है तो वो उसको ये ध्यान रखना चाहिए कि वो अकेला मुखिया करेगा तो पूरे घर वाले की तरफ से हो जाएंगी चाहे वो कितने भी क्यों ना हो, तो उसकी तरफ से ये कुर्बानी हो जाएगी। और इसी तरह एक मसला ये आता क्या का कुर्बानी और कुर्बानी के अंदर अकीका हो जाता है, तो कुर्बानी के अंदर अकीका नहीं होता, कुर्बानी एक अलग अमल है और अकीका एक अलग अमल है, दोनों अलग अलग होते हैं। अकीका जो है बच्चे की पैदाइश के 7वें दिन किया जाता है तब वो होता है, लेकिन इसके अंदर दोनों शामिल कर नहीं हो सकता, एक नीयत उसकी होनी चाहिए तब वो होगा। कुर्बानी कितने दिन है, कुर्बानी कितने दिन है, तशरीक के दिन जो है कुर्बानी के दिन है, इसके ताल्लुक से हमको मिलता है ये मुसरत अहमद की रिवायत है जुबैर बिन मुतीम रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि तमाम तशरीक के दिन कुर्बानी के दिन है, तशरीक के दिन कुर्बानी के दिन, तशरीक के दिन कौन से, यानी 11, 12 और 13 ये अय्याम तशरीक के दिन है, इस दिन के अंदर तक कुर्बानी की जा सकती है, इस दिन के अंदर कुर्बानी की जा सकती है, लेकिन इसके अंदर जो सबसे अफजल जो क्या है, अफजल 10 ज़िलहिज्जा है। फिर इसके अलावा अगर उसके बाद में यह कोई जानवर 3-4 ले रहा है तो वो ऐसे भी इसको कर सकता है, ज़रूरी नहीं कि वो इतना सारा एक ही दिन जिबा करे, नहीं तो फिर इतना सारा उसके पास जखीरा इकट्ठा हो जाएगा, तो वो चाहे तो एक उस दिन कर ले, उसके बाद में 3 दिन वो कर सकता है, इसके अंदर की जा सकती है। और इस 4ों दिन यानी ईद उल अज़हा के दिन उसके बाद के 3 दिन रोज़ा रखना हराम है, इस दिन रोज़ा नहीं रख सकते, चाहे आप किसी भी आप रोज़ा रखना चाह रहे हैं कि रख ले, या आपके जो रखते हो वो तारीख आ जाए उस पर आप रखें, तो इस दिन मना किया गया, इस दिन के रोज़े नहीं रख सकते हैं। तो ये सारे जो है तशरीक, अब इसमें कुछ लोग इख्तलाफ इसमें होता है, बोले नहीं तशरीक के दिन 2 ही हैं 11 और 12, 13वां दिन नहीं, और इसके अंदर बाद उलमा कहते हैं कि नहीं तशरीक के दिन जो है ईद सही 4 दिन यानी 3 दिन उसके बाद के हैं। तो इसमें यही मिलता है हमको सही तिर्मिजी की रिवायत है हदीस नंबर 773 के तशरीक के दिन ये जो है 3 दिन है। उसी तरह इब्ने हाकिम की रिवायत है इसमें मिलता है, इस तरह हिदायत के अंदर यही रिवायत मिलती है, इसी तरह जो है बुनियत तालिबिन इनकी भी रिवायत में यही मिलता है कि ये जो है इसके अंदर अय्याम तशरीक के 3 दिन हैं।
लेकिन इसमें 10 ज़िलहिज्जा जो है अफजल है। इसी तरह जो है सही बुखारी की रिवायत है, बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि वो फरमाते हैं कि आज ईद उल अज़हा के दिन की शुरुआत हम नमाज से करेंगे और इसी तरह करेंगे। अगर कोई इसी तरह करता है वापस आकर फिर हम कुर्बानी करेंगे, कोई इसी तरह करता है तो वो सुन्नत के मुताबिक करेगा। यानी कि इससे मालूम पड़ता है कि कुर्बानी जो है नमाज के बाद अदा की जाएगी। कोई आदमी सोचे कि मैं सुबह ही कुर्बानी कर लूँ फिर नमाज पढ़ूँ तो उसकी कुर्बानी कबूल नहीं की जाएगी, उसको फिर दूसरा जानवर ज़िबा करना पड़ेगा। इसके ताल्लुक से भी रिवायत मिलती है, एक सहाबा ने जो है नमाज के पहले कुर्बानी कर दी। अब उन्होंने उनकी मंशा जो भी रही हो कि शायद मैं ईदगाह जाकर सबको बांट दूँ, लेकिन जो अल्लाह के रसूल सल्लम ने फरमाया कि नहीं, उसकी कुर्बानी नहीं, दूसरा जानवर ज़िबा करे। तो कुर्बानी जो कब होती है? ईद के बाद ही, जो नमाज के बाद में कुर्बानी होगी। और अफजल दिन जो ईद का दिन है और ये सुन्नत मौकीदा है। इसी तरह जो सही बुखारी की रिवायत है, हदीस नंबर 5556, अल्लाह के रसूल सल्लम ने फरमाया कि जिसने नमाज के बाद जानवर ज़िबा किया वो जो है मुसलमानों की सुन्नत को पा गया। तो इससे हमको मालूम पड़ता है कि सुन्नत क्या हुई इस हदीस के मुताबिक, रिवायत के मुताबिक, कि ये नमाज के बाद में इसको करना चाहिए। और इसी तरह जो है ऐसा भी नहीं है, अब सुन्नत मौकीदा मैंने आपके 3-4 बार इसलिए कहा कि हज़रत उमर और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने कुर्बानी को छोड़ा भी है। क्यों छोड़ा है उन्होंने? इसलिए छोड़ा ताकि उम्मत जान ले कि ये फ़र्ज नहीं है, इसलिए उन्होंने इसको छोड़ कर भी तर्क करके बताया ताकि लोग इसको फ़र्ज ना समझे। तो इससे हमको मालूम पड़ता है कि ये सुन्नत मौकीदा है। अब इसको कौन कर सकता है, करेगा कौन? तो इसको जो है जो कर सकता है, यानी जो साहिब इस्तेतात हो वो इसको करेगा, या जो जानवर पालता है उसके पास, ज़रूरी नहीं, ज़कात का मसला नहीं कि इतनी इसके पास निसाब के पास में पहुँचा हुआ इतनी माल दौलत हो तब जाके उसको ज़कात देना है तो उसके लिए कुर्बानी करना ज़रूरी है, ऐसा इसमें नहीं है। ज़कात से इसका कोई जो है कनेक्शन नहीं है। ये जो कर सकता है वो कर सकता है, जो इस्तेतात रखता है कि मैं कर सकता हूँ। ये कुछ जानवर पालते हैं बचपन से और वो उनके पास पैसा नहीं है लेकिन वो कहे कि हमने पाला है और हम कर सकते हैं, तो वो कर सकते हैं, चाहे उनकी गुरबत कैसी भी हो तो वो कर सकते हैं। तो इसके लिए वो नहीं है, जो करना चाहे कर सकता है, वो साहब इस्तेदात है तो उसके लिए वाजिब और फ़र्ज हो जाता है। क्योंकि एक रिवायत में भी मिलता है कि वो अबू हुरैर रज़ी अल्लाह अन्हु उसके रावी, वो फरमाते कि अल्लाह के रसूल सल्लम ने फरमाया कि जो साहिब इस्तेदात हो और अगर वो कुर्बानी करने की ताकत रखता है उस पर भी कुर्बानी ना करे तो हमारे ईदगाह के करीब ना है। तो इससे हमको इसकी अहमियत मालूम पड़ती है कि साहिब इस्तेदात को तो ये करना ज़रूरी, उसके लिए जो इसके अंदर छूट नहीं है। इसी तरह जो है इसके ताल्लुक से मिलता है कि ज़िबा के ताल्लुक से मिलता है कि ज़िबा कैसे किया जाए इसको, उसके ताल्लुक से मिलता है। ये सही मुस्लिम की रिवायत है, हदीस नंबर 1955, शद्दाद बिन ओस रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लम ने फरमाया कि जब तुम ज़िबा करो जानवर को तो अच्छे तरीके से ज़िबा करो और छुरी को तेज कर लो, छुरी को तेज कर लो और अपने जबीहों को क्या करो, आराम पहुँचाओ। तो तुम जबीहों को आराम पहुँचाओ यानी उसको तकलीफ़ तुम ना दो। इसी तरह जो है हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु ये फरमाते कि अल्लाह के रसूल सल्लम ने फरमाया कि बेशक अल्लाह ने हर चीज़ पर एहसान को लिख दिया है, हर चीज़ पर एहसान को लिख दिया है, जब तुम ज़िबा करो तो उस पर भी एहसान करो। तो यानी ऐसा नहीं कि हम उसको जो है छुरी पूरी तेज होनी चाहिए ताकि ज़्यादा वक्त ना लगे, उसको ज़्यादा वक्त ना लगे, जानवर को जो है तकलीफ़ ना हो। अब इसमें देखें कि जानवर को तकलीफ़ तो होती है क्योंकि वो जो बाद में उनको तड़पता हुआ दिखता है तो क्या उसको तकलीफ़ होती है? तो देखिए वो सिर्फ तकलीफ़ जब होती है जब उस पर छुरी फेरी जाती है, लेकिन जैसे ही उसकी नस कटती है उसके बाद उसको तकलीफ़ नहीं होती। वो क्या होता है कि जब उसका जो हार्ट होता है वो सक्शन करता है, वो ब्लड को खींचता है और बाहर फेंकता है, तो उसकी वजह से वो जानवर हिलता है, बाकी उसको तकलीफ़ नहीं होती। जो साइंस भी यही कहता है कि उसको जो है उसको तकलीफ़ नहीं होती, सिर्फ वो जो है उसका हार्ट चलता है, वो जो पूरे जिस्म से उसका ब्लड खींचकर बाहर फेंकता है इसकी वजह से वो जानवर हिलता है, लेकिन उसको तकलीफ़ उसके बाद नहीं होती, उससे पूरा ब्लड वो उसका खींचकर बाहर निकाल देता है। तो इस्लाम का जो तरीका है, जो सुन्नत तरीका ज़िबा करने का, ये बहुत फ़ायदेमंद है मेडिकली हिसाब से भी, क्योंकि सारे जरासीम वो सारी बीमारियाँ खून के अंदर होती है और खून ये पूरा जो इस तरीके से ज़िबा किया जाता है तो हार्ट पूरा ब्लड उसके जिस्म से निकाल कर बाहर जो है फेंक देता है, जिससे क्या होता है कि वो जो गोश्त होता है उसको आप ज़्यादा दिन तक आप रख भी सकते हैं फ्रिज करके, वो काफ़ी वक्त तक रह सकता है क्योंकि उसके अंदर जरासीम जो उसको ख़राब करने वाले वो निकल जाते हैं। तो फ़ायदेमंद वही चीज़ है, और इसके अलावा दूसरे तरीके तो उसके अंदर मेडिकली बहुत सारे नुकसान भी होते हैं। तो ये जो इस्लाम का ये तरीका है, इसी तरह जो है जानवर को लेटाएं किस तरफ, क्या उसको किबला रुख करना चाहिए या किस तरफ उसको लेटा कर उसको ज़िबा किया जाए, इसके ताल्लुक से मिलता है अबू दाऊद की रिवायत है, जाबिर बिन
عبداللہ رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے دو چیت کبرے کھسی مینڈے خریدے، یہاں بھی ملتا ہے کہ کھسی جانور ذبح کیا جا سکتا ہے، اور مینڈے لیے اور آپ نے اس کو جو ہے قبلہ رخ اس کو کیا، اور قبلہ رخ کر کے آپ نے اس کو ذبح کیا۔ تو قبلہ رخ بھی کر سکتے ہیں، یہ صرف یہ کیا ہے کہ مستحب ہے اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کہ ہم اس کو کر سکتے ہیں، لیکن ایسا بھی نہیں کہ آپ اس کو کرنے کے لیے آپ جانور کو تکلیف دیں۔ جانور اچھا ہیوی ہے اور جانور آپ کو جو ہے ادھر نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ جانور ہٹی بھی ہوتے ہیں، آپ اس کو جو اس کی اس کو لیٹا رہے ہیں پکڑ رہے ہیں تین چار لوگ، تو سیدھی سی بات ہے کہ وہ ایک جگہ رکے گا نہیں۔ تو اس کے لیے یہ نہ کریں آپ کہ کوئی اس کی ٹانگ پکڑ کے کھینچ رہا ہے، کوئی پونچھ پکڑ کے کھینچ رہا ہے، اور میں نے تو یہاں تک سنا کہ وہ اس کو قبلے رخ کے کرنے کے وجہ سے کسی نے اس کی پونچھ کھینچی تو پونچھ اس کی دم نکل گئی اور وہ ایبدار جانور ہو گیا۔ تو اگر جانور ہو سکتا ہے پوسیبل ہے تو کریں، نہیں تو پھر آپ جس بھی آپ چاہیں اس جو ہے طرف اس کو رک کر کے اس کو آپ کر سکتے ہیں، وہ بھی صحیح ہے۔ اسی طرح جو ہے کیا قربانی کے اندر جو لوگ فوت شدہ ہو گئے ہیں، جو میت ہیں، کیا ان کے نام سے قربانی کی جا سکتی ہے یا ان کو اپنی قربانی میں شامل کیا جا سکتا ہے؟ جیسے کسی کے والد جو ہے ان کا انتقال ہو گیا، تو وہ شخص چاہے تو کیا وہ والد کو بھی اس میں شامل کر لیں کہ میری قربانی میں یہ بھی شامل ہے، تو کیا جا سکتا ہے؟ تو اس کے تعلق سے ہم کو ملتا ہے ابو داؤد کی روایت ہے، حدیث نمبر 2768، کہ اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ملتا ہے کہ انہوں نے ایک بار دو مینڈے ذبح کیے، اور انہوں نے کہا ایک مینڈے کو ذبح کرتے وقت انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے محمد اور آل محمد کی طرف سے، اور دوسرا جب اللہ کے رسول جانور ذبح کیا تو اس کے اندر میں فرمایا، اس کے اندر یہ بھی فرمایا ساتھ میں اسی کے کہ یہ جو ہے میری امت محمدیہ کی طرف سے بھی۔ تو اب اس سے جو ہے علماؤں نے اس میں جو ہے انہوں نے اکثر کیا کہ جو لوگ اس کے اندر اکثر کیا مسئلہ کہ جو لوگ فوت شدہ ہو گئے وہ بھی تو جو اللہ کے رسول وسلم کے وقتوں کے اندر جو لوگ مر گئے جو ایمان لے کر آئے تھے یعنی امت محمدیہ میں سے ہی تھے، تو جو تو وہ بھی شامل ہو گئے اس کے اندر۔ تو علماء نے کہا ہاں یہ وہ بھی شامل ہو گئے، تو یعنی میت کو اس میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ تو کوئی آدمی اگر چاہے کہ میری والد کو میرے دادا کو اس کے اندر جو فوت ہو گئے تو ان کو میں شریک کر لوں تو وہ شرکت اس میں کی جا سکتی ہے، لیکن اگر کوئی چاہے کہ صرف میت کی ہی قربانی کرے کسی میت کے نام کی، یعنی وہ شخص نہیں ہے وہ اس کا انتقال ہو چکا ہے کہ اس کے نام کی میں قربانی کروں، تو کیا وہ کر سکتا ہے؟ تو اس کی دلیل تو نہیں ملتی ہے کہ ایسا جو ہے کبھی صحابہ نے کیا ہو یا کبھی تبع تابعین نے بھی کیا ہو کہ جو فوت شدہ لوگوں کے نام سے انہوں نے قربانی کی ہو، لیکن علماء اس کے تعلق سے کرتے ہیں کہ اگر کوئی کرنا بھی چاہے تو اس کو پھر کیا کرنا پڑے گا، وہ صدقہ کہلائے گا، وہ صدقہ کہلائے گا۔ تو کوئی آدمی اگر فوت شدہ کے جو ہے اس کے دادا ہے یا کوئی بھی اور بھی شخص ہے وہ جس کو چاہتا ہے اس کے نام سے کرنا چاہتا ہے، تو اس جانور کو ذبح کرے گا اور اس کے بعد میں کیا کرے گا، پورا کا پورا اس کو تقسیم کرنا پڑے گا، وہ نہیں کھا سکتا، کیوں؟ وہ صدقہ ہو گیا۔ لیکن اس کو کہاں کرنا پڑے گا؟ گھر پر کرنا پڑے گا، کسی قبر پر لے جا کر اس کو نہیں کر سکتے، یہ تو قبر والے کے نام سے شمار ہونے لگ جائے، تو وہ گھر پہ کر سکتا ہے، وہ چاہے کس کے نام پر بھی کرو۔ اسی طرح جو ہے مسنون دعائیں بھی اس کے تعلق سے، مسنون دعائیں جو ہم کو پڑھنا چاہیے، جو ہم کو ملتی صحیح بخاری کی روایت ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر، اس سے بھی اس کو ذبح کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح جو ہے کیا جانور کو خود ذبح کر رہے ہیں یا پھر جو ہے قصاب سے کروا سکتے ہیں، قصائی سے کروا سکتے ہیں؟ تو اس کے تعلق سے ملتا ہے صحیح بخاری کی روایت ہے حدیث نمبر 5554 کہ ان کے تعلق میں کہ اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی کہ اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے جانور کو ذبح کیا۔ افضل یہی ہے کہ اپنے ہاتھوں سے ذبح کرے، لیکن اگر کوئی اس کو نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ ہر ضروری نہیں کہ ہر آدمی میں اتنی ہمت ہو طاقت ہو کہ وہ کرے، تو وہ نہیں کر سکتا تو وہ دوسرے سے بھی کروا سکتا ہے، تو یہ ایسا فرض نہیں ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ وہ اس کو خود کرنا چاہیے کہ اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اللہ کے رسول اللہ کیا کرتے تھے۔ کیا عورتیں ذبح کر سکتی ہے؟ تو یہ بھی صحیح بخاری اور نسائی میں روایت ملتی ہے کہ عورتیں بھی ذبح کرتی ہے، جس سے تعلق سے ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ اشری رضی اللہ عنہ ان کے تعلق سے ملتا ہے کہ انہوں نے جو ایک بار ان کا خود کا جانور ایک ذبح کیا اور اپنی جو لڑکیوں سے کہا کہ تم بھی اپنے اپنے جانور کو ذبح کر لو، تو انہوں نے پھر اپنے جو ہے انہوں نے ذبح کیا، تو عورتوں نے بھی کیا، تو عورتیں بھی اس کو کر سکتی۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ملتا ہے کہ ایک عورت نے ایک تیکھے پتھر، اس کے پاس چھری نہیں تھی، تو ایک پتھر کو تیکھا کر کر اس نے جو ہے اس جانور کو ذبح کیا، تو اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے اس کو کچھ نہیں کہا، یعنی اس میں بھی جائز ہے، تو وہاں بھی عورت نے کیا تھا لیکن وہ پتھر کو تیکھا کر کے کیا، تو اس کو اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس پہ کوئی جو ہے خاموشی اختیار کی، تو وہ بھی کر سکتی، اس کو ملتا ہے۔ اب اس کے اندر ایک مسئلہ آتا ہے کہ اب ذبح بھی ہو گیا، سب ہو گیا،
तब इसको इसमें से यह मसला जो है बड़ा लोग इसके अंदर वो करते हैं, और आप देखिए आप लोग मैसेज भी आएंगे इसके ऊपर, मैसेज भी मिलते हैं, लोग कहते हैं कि ये खाना मकरूह है, ये खाना हराम है, इस चीज़ को नहीं खाना चाहिए, जो इसके जो है कपूरे नहीं खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, ये चीज़ें मकरूह है, उजड़ी नहीं खाएगा कोई, इसके अंदर जो है तमाम लोग इसके अंदर लिस्ट भी बना देते हैं, इतने जानवर, इतने जो हिस्से खाना मकरूह, इतने हिस्से खाना हराम, तो इसको क्या इसका कुछ मिलता है क्या? तो इसका कोई हमको रिवायत नहीं मिलती है, कोई रिवायत इसकी नहीं मिलती है। तो इसका सीधा सा मसला यह है कि जो उसके अंदर खाने लायक है वो आप खा सकते हैं, जिस चीज़ से आपको नुकसान है उसको आप छोड़ दें। अब देखिए आप जो खाने लायक है जिससे आपको नुकसान है वो खा सकते हैं, अब जिस आपको क्या क्या खूर खा लें तो खूर खाने से भाई आपके दांत टूट जाएंगे तो मत खाइए, सींग खा लें उसके दांत खा लें तो उससे आपके दांत टूट जाएंगे, नुकसान करेगा, आपको हजम भी नहीं होगा तो मत खाइए आप, तो जो इसमें से खा सकते हैं उसको खा ले। अब कई लोग इसमें मसला क्या करते हैं कि नहीं ये जो अंदर इसके उजड़ी जो होती है जो उसका मैदा होता है जहाँ पर उसका खाना जमा होता है, तो लोग कहते हैं ये खाना मकरूह है, तुम्हारे हिस्से के अंदर ये हिस्सा भी क्या है कि ज़मीन का हिस्सा है तो उसको दफना दो, तो ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है कि उसके जो है उजड़ी को दफनाया जाए, आप खा सकते हैं उसको भी तो खा लें, या आप किसी को देना चाहें तो उसको दे सकते हैं। तो ये है कि जो चीज़ आपको फ़ायदेमंद हो वो उसमें से खा लें, जो आपको नुकसान करे उसको ना खाएं, ये उसके अंदर से मसला है। तो इसके अंदर कोई बंदिश जो है इस्लाम ने इसके अंदर नहीं लगाई है, कोई इसमें हमको मिलता भी नहीं है। क्या इसको गैर मुस्लिम को दिया जा सकता है? तो इसमें गैर मुस्लिम को भी दिया जा सकता है कि अल्लाह ने जो कुरान में फरमाया सूरह हज सूरह नंबर 22 आयत नंबर 36 में जो अल्लाह ने फरमाया कि तुम जो है खाओ और खिलाओ, तो उसमें कैद नहीं लगी अल्लाह ने कि इसके अंदर गैर मुस्लिम को नहीं दिया जा सकता, तो गैर मुस्लिम को भी इसमें दिया जा सकता है। लेकिन आप ऐसे आदमी को दें क्योंकि ये कुर्बानी का गोश है, तो ऐसे आदमी का आप ध्यान रखें कि वो आदमी जो है शराब वगैरह ऐसी हराम चीज़ों को अशिया का इस्तेमाल ना करता हो, तो ऐसे आदमी को आप खिला सकते हैं, ऐसे आदमी को आप उसमें खिला सकते हैं, दे सकते हैं। और जो है अब इसके अंदर एक मसला ये आता है कि क्या जो कस्साब है जो आता है उसको साफ़ सफाई करता है, जो उसको काटता है पीसेस करके हमको देता है, तो क्या उसको उजर क्या दें, क्या पैसा दें, या जो उसकी खाल है वो दे दें, या गोश्त का कुछ हिस्सा उसको दे दें ताकि उसका जो वो हो जाए, तो ऐसा करना मना है। इसके ताल्लुक से हमको रिवायत मिलती है, ये सही मुस्लिम की रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, हज़रत अली फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लम मुझसे कहा कि अली तुम जो है कि खाल को सदका कर दो और इसको कसाई को ना दो, उसको उजर दो, यानी उसको आपको पैसा देना पड़ेगा, आप उसको जो है खाल नहीं दे सकते, खाल के बदले में उससे कुर्बानी नहीं करा सकते, ये क्या करना पड़ेगी, खाल जो आपको सदका करनी पड़ेगी, आप उसको बेच सकते हैं और उसका जो पैसा है उसको आप सदका खैरात कर सकते हो, तो इसको जो है उसके बदले कसाब को नहीं दिया जा सकता है। उसी तरह जो है इसकी अहमियत तो काफ़ी है और उसकी मसाइल भी काफ़ी सारे हैं, लेकिन अमूमन यही मसाइल जो हमारे सामने आते हैं, और इसके ताल्लुक से तो हमको ये समझना चाहिए कि अल्लाह ने इसका हुक्म हमको दिया है कुर्बानी करने का, तो इसकी अहमियत के लिए वही काफ़ी है। और जिसके पास में अगर ताकत नहीं है तो वो क्या करे कि अब किसके पास ताकत नहीं, करना तो चाहता है लेकिन उसके पास में पैसा नहीं है, इस्तेतात नहीं है, तो वो क्या करे, तो वो अपनी नीयत को सही रखे, अपनी नीयत की इस्लाह करे, अपनी नीयत की इस्लाह करे, और वो क्या करे, जैसे एक रिवायत हमको मिलती है कि अल्लाह के रसूल सल्लम से जो एक साहबी आए उन्होंने फरमाया, या अबू दाऊद की रिवायत है हदीस नंबर 2765, अमर बिन आस रजी अल्लाह ये आए अल्लाह के रसूल के, अल्लाह के रसूल मेरे पास एक बकरी है और वो जो है दूध देती है, तो बकरी वह दूध देती है, तो वो उनके पास में एक ही बकरी थी और उनके बच्चे उसका दूध पीते थे, तो अल्लाह के रसूल सल्लम के मैं उसको ज़िबा कर दूँ, उसकी कुर्बानी कर दूँ, तो अल्लाह के रसूल सल्लम ने फरमाया कि नहीं, तुम एक काम करना कि तुम जो है ईद के वाले दिन नमाज़ पढ़ने के बाद अपने नाखून तराश लेना और अपने बालों को मूछों को तुम तरशवा लेना और अपने जो है जीरे नाफ के बाल काट लेना, यही तुम्हारी मुकम्मल कुर्बानी है। तो अगर नीयत सही रखे, उसके पास में इस्तेताद नहीं है, तो वो अगर ये अमल भी करेगा तो उसकी जो है कुर्बानी में गिना जाएगा, ये कुर्बानी में गिना जाएगा, तो ये उसकी मुकम्मल कुर्बानी मांगी इसके अंदर जो है मानी जाएगी। इस तरह हिस्से ले सकते हैं आप, हिस्से लेना भी जो है ये भी सही है कि हम जानवरों में हिस्सा ले सकते हैं, कोई जो है भाई मिलकर सब चाहें कि भाई हिस्सा ले लें ऊँट के अंदर, तो 10 हिस्से उसमें मिलते हैं, आप उसको ले सकते हैं, एक हिस्सा खरीद सकते हैं। इसी तरह जो है बैल के अंदर मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के अंदर आपको हिस्सा मिलता है तो उसमें भी आप हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन मेंढा भेड़ बकरी के अंदर एक ही हिस्सा होता है, उसमें हिस्से नहीं होते, तो इसमें आप हिस्से ले सकते हैं, या कभी कभार हिस्सा लेना जो है अफजल भी हो जाता है, ऐसी जगह आप हिस्सा लें
कि जहाँ पर जो गुरबत ज़्यादा हो, लोग गरीब हो, वो कुर्बानी नहीं कर सकते, तो आप जानवर में वहाँ पर हिस्सा लें ताकि उन तक वो चीज़ पहुँच सके और वो भी हमारे जैसे ईद बना सकें और उसको खा सकें, उससे फ़ायदा उठा सकें। तो कभी कभार जो है हिस्सा लेना भी जो है फ़ायदेमंद होता है। इस तरह जो नीयत इसमें सही रखना हमारी ज़रूरी है, नीयत का मसला है। और नीयत के ताल्लुक से हम देखते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू दाऊद की रिवायत है कि नीयत के एतबार से लोग चार किस्म के होते हैं। एक वो शख्स होता है जो अल्लाह ने जिसको माल दिया, इल्म दिया, और इल्म को वो अपने जो है माल को अपने इल्म के मुताबिक वो खर्च करता है, यानी नेक कामों में खर्च करता है। वो दूसरा शख्स उसको देख कर ये सोचता है कि काश अल्लाह ने मुझे भी माल दिया होता तो मैं भी इसी की तरह खर्च करता जो अल्लाह के राह में खर्च करता है। तो अल्लाह के रसूल सल्लम ने फरमाया कि नीयत में ये सवाब के अंदर, अजर के अंदर दोनों बराबर है। इसी तरह जो है फरमाया कि अल्लाह ने जिसको माल दिया वो सही खर्च नहीं करता, उससे जो अय्याशी और ऐश मौज करता है, वो जहाँ बताया वहाँ खर्च नहीं करता, और दूसरा सोचता है कि काश मेरे पास भी माल होता, अल्लाह मुझे भी माल देता तो मैं भी ऐसी जो है अय्याशी करता। तो अल्लाह के रसूल फरमाते कि नीयत में दोनों बराबर है, क्योंकि उसने नीयत की तो उसको जो अजाब मिलेगा तो इसको भी अजाब मिलेगा। तो इससे ताल्लुक से मिलता, नीयत सही होना चाहिए और जो है नीयत सही करे। इस तरह मकसद क्या होना चाहिए, इसका मकसद क्या है कुर्बानी का मकसद, ये कि मकसद ये होना चाहिए कि जो जानवर अल्लाह ने हमको दिया तो हम जो है खालिस अल्लाह ही के लिए उसकी नीयत करें और खालिस अल्लाह के लिए हम ये अमल करें। इसको ज़िबा करने के लिए जो कुछ दुआएँ आती हैं जो हम कर सकते हैं, नहीं भी आए तो सिर्फ जो है हम सारी बिस्मिल्लाह भी पढ़ सकते हैं, सिर्फ बिस्मिल्लाह भी कर सकते हैं। और एक और सही मुस्लिम की रिवायत में मिलता है कि बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर भी कर सकते हैं, तो बिस्मिल्लाह कर सकते हैं। इसी तरह जो है ये और भी दुआ मिलती है कि बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर अल्लाहुम्मा तकबल मिन, ये भी दुआ मिलती है जो सही मुस्लिम की रिवायत है हदीस नंबर 1966, तो ये भी किया जा सकता है। इसी तरह जो है अल्लाह के रसूल सल्लम इसके लिए खास एक कुरान की जो है आयत भी पढ़ा करते थे अल्लाह के रसूल सल्लम, ये भी पढ़ते थे कि कुल इन्नी सलाती व नुसुकी, ये पूरी जो है आप जो है इसको भी आप पढ़ सकते हैं, पूरी जो इसको भी पढ़ा जा सकता है, तो ये भी इसमें पढ़ जा सकती है। इसी तरह जो है और इसके ताल्लुक से जो है हमको मिलता है कि क्या अब जो ये हम कुर्बानी करते हैं तो ये कुर्बानी क्या ये अल्लाह तक पहुंचती है कि अल्लाह तक जाती है कि ऐसा खून जाता है, क्योंकि कहा गया खून बहाने का अल्लाह पसंद करता है जिस सूरह कौसर में फरमाया, तो क्या अल्लाह तक जाता है। तो इसके ताल्लुक से हमको जो रिवायत मिलती है जो अल्लाह ने कुरान में फरमाया सूरह हज सूरह नंबर 22 आयत नंबर 37 में अल्लाह फरमाता है कि ना ही पहुँचता तुम्हारा जानवर का खून और गोश्त मुझ तक, जो कुछ को पहुँचता है वो तुम्हारा तकवा पहुँचता है, तुम्हारी परहेजगारी पहुँचती है। तो अल्लाह तक ना तो अल्लाह को उसका खून चाहिए, ना अल्लाह को उसका गोश्त चाहिए, ना अल्लाह को ये जानवर चाहिए। अल्लाह तो सिर्फ ये देखना चाहता है कि मैंने हुक्म दिया तो मेरे हुक्म को बजा कर लाता कि नहीं, तो वो सिर्फ तकवा और परहेजगारी देखना चाहता है, तो अल्लाह को ये चीज़ें नहीं पहुँचती हैं। तो ये बात भी हमारे वाज़े रहे कि अल्लाह को ये चीज़ें नहीं जाती है। नहीं तो हम देखते हैं कि कई जो गैर मज़हब के अंदर हम देखते हैं वो जो है कुर्बानी करते हैं, उसको बलि बोलते हैं, और जाकर फिर वो क्या करते हैं उनके माबूद के ऊपर जाकर छिड़कते हैं, उस पर डालते हैं कि उनको दिया जाता है कि इसने लिया। तो अल्लाह का मामला वैसा नहीं है, अल्लाह हमारा तकवा देखना चाहता है, इसलिए वो कुर्बानी करने के लिए हमको कहता है, और सिर्फ जो है हमारी खाने के लिए होता है, हम ही उसको खाते हैं और लोगों को हमारे रिश्तेदारों को और गरीबों को तकसीम करते हैं। तो अल्लाह को कुछ नहीं जाता, सिर्फ अल्लाह को हमारा तकवा पूछता है। तो ये हमको इसलिए दिया गया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जो मकाम अल्लाह ने जो दिया था और उन्होंने जो कुर्बानी की थी, तो उसके बदले को अल्लाह को अमल इतना पसंद आया कि उसके बाद जो तमाम आने वाली उम्मत पर अल्लाह ने इसको जो है कहा कि तुम कुर्बानी दिया करो। तो ये जो है उनकी सुन्नत है और हमको हुक्म बजा लाना है। तो हर मुसलमान को जो है, और आज हम देखते हैं कि एक इसी बात को, एक इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो अमल जो अल्लाह को इतना पसंद आया, और आज हम देखते हैं कि करोड़ों लोग आज भी करोड़ों लोग जो है कुर्बानियाँ करते हैं, वो करते आ रहे हैं और इंशाअल्लाह जो है करते रहेंगे। और जो है इसके अंदर अब इसमें मसला ये है कि करते तो रहेंगे लेकिन हमारे यहाँ कुछ मसले इसके अंदर पेचीदा हो गए, तो उस बात का भी हमको ख्याल रखना चाहिए कि जिस जानवर पर हमारे यहाँ पर बैन कर दिया गया है, जो कानूनी तौर पर जो बैन कर दिए गए, तो उसके लिए हमको चाहिए कि हम उस पर एहतियात करें, क्योंकि हम यहाँ पर इस मुल्कों में रहते हैं, तो उसके लिए इसको ज़बरदस्ती ये करना, और हमको ये चाहिए कि हमारा काम क्या है, लोगों तक दावत पहुँचाना, तो ये चीज़ हमारी दावत में आड़ भी आती है। तो अब यहाँ पर क्योंकि कानून बन चुका है तो इस कानून को फॉलो करना ये भी जो है एक जिम्मेदार जो शख्स है मुसलमान है उसके अंदर, तो उसके भी लिए चाहिए कि वो इस वतन के अंदर जो कानून बनाया गया उसका एहतराम करें,
और गैर मुस्लिमों को दिल दुखाने वाली बात ना करें, क्योंकि हमारे जो जहाँ पर सल्तनत मुसलमानों की रही, इससे पहले 800 साल जो मुसलमानों ने सल्तनत कायम किए, तो उन्होंने भी इसको जो है कई इन्होंने इस चीज़ को उन्होंने तर्क किया था कि इनको जो है इससे तकलीफ होती है तो इस जानवर को छोड़ देना चाहिए। ताजिस, दोनों जानवर पर जो बैन लगा दी गई, हालांकि पहले वक्त में ये जो सिर्फ गाय पर बैन था, लेकिन अभी बैल पर भी उन्होंने गोवंश यानी दोनों उसमें आ गए, तो उसको बैन लगा दिया गया। तो इस पर हमको उसका एहतराम करें, और उसकी जो है जो उनकी भी अकीदत है, जो भी उनका मकसद जो कहते हैं कि भाई नहीं करना चाहिए, हमको तकलीफ़ होती है, तो उसको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ऐसा ज़रूरी भी नहीं, आपके पास दूसरे जानवर हैं तो आप उनको कर सकते हैं, आपके पास में जो है बकरी है, बकरा है, और आपके पास भेड़ है, मेंढा है, तो आप इनके करें, उसको आप छोड़ देना चाहिए, नहीं तो भाई कानूनी इसके ऊपर आप वो देख लें, फिर नुकसान भी हमको उसका उठाना पड़ सकता है। और जो हमारा ये है कि हम कुर्बानी इसलिए करते हैं कि हमारे अंदर ये होना चाहिए जो अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि जो अल्लाह जो भी बात कहता है तो आमन्ना सदकना, कि हम अल्लाह ने जो कहा हमने उसको सच माना, और समीना वाते ना, कि जो अल्लाह जो कहता है, कि अल्लाह ने जो हुक्म दिया हमने उसको पूरा किया। तो इसलिए हम इसके अंदर अब ये तमाम चीज़ें ना लाएँ कि क्या इसके बदले हम कुछ कर दें, इतना पैसा इसके अंदर लग रहा है, 20-25 हज़ार रुपये का जानवर आ रहा है, तो क्या हम सदका खैरात कर दें, किसी को दे दें, उससे ज़्यादा फ़ायदे हैं, तो हम नहीं कर सकते। जो अल्लाह ने कहा हमको वही करना है, क्या अल्लाह ने जो फरमाया तो उसका हमको बजा लाना है, और ये खुश दिली से अल्लाह की रज़ा के लिए खालिस नीयत से करना चाहिए, इसके अंदर रिखावा नाम नमूद के लिए ये चीज़ें हमको नहीं करनी चाहिए। और ये कुर्बानी जो है हमको सिखाती है, क्या सिखाती है, कि हम जो हमारी पसंदीदा चीज़ें वो, लेकिन वो बुरी चीज़ें हैं तो हमको उसको छोड़ देना चाहिए, जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो किया, कि उनका जो 180 साल की उम्र के अंदर उनके बाद अल्लाह ने उनको बेटा अता किया, उसके बाद भी जब अल्लाह ने मांगा, अल्लाह ने हुक्म दिया, तो उन्होंने जो है इसको कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। तो ये हमको ये सिखाता ही है कुर्बानी, ये त्यौहार हमको सिखाता है कि हम हर चीज़ को कुर्बान करने वाले बने, चाहे जो भी मामला थे, तो हमारे जितने सारे मामला जो हमारे काम काज जो ऐसे हों, जो हराम हो या सूदी मामला, तो सब हमको तर्क करना चाहिए। तो ये कुर्बानी हमको ये सिखाती है, और इस ये हमको कुर्बानी सिखाती है कि जिस तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सीरत को इस महीने में बयान किया जाता है, बताया जाता है, तो हमको उससे नसीहत लेनी चाहिए कि उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी, अपना वक्त, अपनी सलाहियत, हर चीज़ को उन्होंने अल्लाह के राह में लगा दिया। तो हमको भी हमारी ज़िंदगी के अंदर जो हमारे पास माल है, वक्त खास, क्योंकि माल इसमें लगा देते हैं लोग, हम माल उनसे कहते हैं, लोगों से दे देते हैं, लेकिन वो वक्त नहीं देते। तो हमको चाहिए कि दीन में हम वक्त भी कुर्बानी करना सीखें, कि वक्त को भी कुर्बान करें, कि हम देखिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने पूरा वक्त जो है इस्लाम के लिए लगा दिया। तो हमको वक्त की कुर्बानी भी हमको देनी चाहिए, कि वक्त की कुर्बानी अगर आदमी नहीं दे सकता है तो फिर उससे हम क्या तवक्को करेंगे, वो क्या देगा। तो वक्त इसके लिए हमको चाहिए कि दीन के लिए भी वक्त लगाएं, और दीन के लिए हम वक्त की असल जो है कुर्बानी दें। तो इसको हमको समझना चाहिए कि वैसा ही जो है इसका अहमियत इतनी ज़्यादा दिलाई गई है हमको, और इसके ताल्लुक से मैंने इतनी हदीसें आपके सामने रखी, कुरान की आयतें भी हमने देखी कि ये जो है इसके अंदर, तो इसके अंदर कमी पेशी ना करें, जो बताया गया है वैसा जानवर वो लाए, ये नहीं कि ऐसा मरियल जानवर लेके आ जाए, बोले मैं कुर्बानी कर रहा हूँ, अगर नहीं उसके पास ताकत तो उसके ऊपर फिर क्या होता है, वो उसका मुकल्लफ नहीं होता है, जिसके पास में कोई चीज़ नहीं है तो मुकल्लफ नहीं है। जैसे कोई आदमी है, शरीयत का ये उसूल भी हम याद रखें, नहीं तो कई लोग करते हैं, एक भाई को जो मैंने देखा, वो क्या हुआ कि उनके जो सीधा पैर जो हम देखते हैं तवर्रुक के अंदर, हम सीधे पैर को खड़ा करते हैं नमाज के अंदर, खड़ा उसको रखते हैं, तो उनके क्या उस पैर में चोट आ गई, तो वो क्या कर रहे हैं कि उल्टा पैर खड़ा कर रहे हैं, बोले यार इसमें चोट आ गई तो उल्टे पैर को कर लेता हूँ, ये सुन्नत इधर हो जाएगी। लेकिन अगर वो उस पैर के लिए खास है तो उसी के लिए वो, अब उसके पास वो पैर में उसमें तकलीफ है तो दूसरे पैर से करने की जरूरत है, वो मुकल्लफ नहीं है, वो मुकल्लफ नहीं है उसका। तो शरी चीज़ में हम ये ध्यान रखें, जो बताया गया वो सुन्नत तो वो करना है, अगर नहीं तो अलग नहीं करते भाई वो ये उल्टे हाथ से कर लूँ तो वो जायज नहीं होगा। तो इसी तरह इसमें भी देखें कि अगर किसी पास ताकत नहीं है तो फिर वो क्या करें कि वो उसको छोड़ दे उस अमल, फिर उसके लिए वो मुकल्लफ नहीं है, उसको नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये है कि इसके अंदर जो ताकत रखता है, जिसके पास में पैसा है, अल्लाह ने उसको माल दिया, तो वो कमी ना करे, वो अच्छे से अच्छा जानवर लाकर अल्लाह की राह में कुर्बान करें, और उसके अंदर से कमी ना करे, वो कमी जो है अपने हिस्से से मैं कर लें, अल्लाह के हिस्से में कमी ना करें, वो तीन वक्त खाता है तो एक वक्त ना खाए, नाश्ता छोड़ दें, अपने हिस्से में से कमी करें, लेकिन अल्लाह के हिस्से से में वो कमी ना करें। तो ये जो है चंद बातें जो कुर्बानी की अहमियत और उसके मसाइल के ताल्लुक से मैंने रखने की कोशिश की। आखिर में अल्लाह से दुआ है कि जो कुछ कहा और सुना गया उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह जब तक जिंदा रखे, ईमान और इस्लाम पे जिंदा रखे, अल्लाह जब मौत दे, साल में मौत दे, अल्लाह हम से राजी हो, अल्लाह से राजी हो। आखिर दवाना अलहमदिल्ला रबी आलमी।